तो उनके ऊपर ये बिल लाया जा रहा है उनके लिए गाइडलाइंस यहाँ पर तय की जा रही हैं कि वो किस तरीके से सर्जरी में हेल्प करेंगे किस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटीज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर में वो लेकर आएंगे रेवोल्यूशन और वो यहाँ पर हमारा जो आयुष्मान भारत में हम पैकेज देते हैं उसमें जो सर्जरीज होती हैं या फिर अदर देन दैट प्राइमरी जो हेल्थ केयर सेक्टर है सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्टर एंड टर्सरी हेल्थ केयर सेक्टर है तो किस तरीके से वो अपना रोल यहाँ पर निभाएंगे उनके ऊपर ये बिल को लाया जा रहा है और इस बिल में पूरे एक अलाइड हैंड हेल्थ केयर प्रोफेशन की बात होती है

इसके अलावा प्लस एंड आइकोनिक को अगर आप साथ में लेंगे तो आपके लिए अलग सुविधाएँ हैं तो प्लस में आपको ये सुविधाएं मिलती हैं एंड आपको आइकोनिक में ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं अब प्लस मिलाकर तो आपको ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्लान भी मिलता है सत्ताईस चौबीस हज़ार सात सौ पचास रुपये का प्लान है टीजे एल आई वी कोड आपको अप्लाई करना है जीएस प्लस ऑप्शन अगर आप साथ में परचेस करते हैं तो तो आपका एक साल का कोर्स जो है वो सत्तास हज़ार को पड़ता है बट अगर यहाँ पर आप कोड अप्लाई करेंगे टी जे एल आई वी तो दैविल कॉस् टू अराउंड सिक्सटी थ्री थाउजेंड रुपीज़ प्लस एंड इम्पल्स एंड राइज दो अपने यहाँ पर टेस्ट सीरीज चलाई जाती हैं इम्पल्स जो है वो करंट अफेयर सेक्शन से रिलेटेड टेस्ट सीरीज है एंड राइज जो है वो जीएस कंप्लीट जीएस टेस्ट सीरीज आपको चलाई जाती है तो अगर आपको इसको अनलॉक करना है तो बाय अपलाइंग द कोड टीच एल आई वी यू कैन अनलॉक दिस चौबीस मार्च से यहाँ पे बैचेस शुरू किए गए हैं वन ईयर टू ईयर एनसीआर टी आपको ये शुरू किए जा रहे हैं जो कि हिंदी इंग्लिश एंड बायोलिंगल बेसिस पे आपको यहाँ पर बैच देखने के लिए मिलेंगे फ्री में स्कॉलरशिप टेस्ट भी दिए जा रहे हैं टाइमिंग क्या है अपना तो टाइमिंग है इक्कीस मार्च और अगला भी टेस्ट फिर से होने वाला है भी आपको यहाँ पर कोड अप्लाई करना है नाउ वट इज दिस नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन बिल दैट वी हैव टू सी तो ये जो है ये लोकसभा में पास हो चुका है अब लोकसभा में पास है राज्यसभा में इसकी वेटिंग है मतलब कि ये पास हो जाएगा जल्दी और ये जल्दी से एक्ट बन के तैयार हो जाएगा बिल क्या चाह रहा है तो बिल ये कहता है कि हमें यहाँ पर रेगुलेट करना है और स्टैंडर्डाइज करना है हमारे एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस प्रैक्टिस किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर तो अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के प्रैक्टिस को यहाँ पर लाकर उनकी हेल्प करना है अब ये जो ग्रुप ऑफ अलाइड प्रोफेशनल्स होते हैं वो बड़े नंबर में आपको देखने को मिलेंगे और जो बिल है वो यहाँ पर रेगुलेट करना चाह रहे हैं इन लोगों को अब ये जो लोग होते हैं अलाइड प्रोफेशनल्स में ये क्या होते हैं तो दैट वी हैव टू सी बिल ने अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को डिफाइन किया है सो वॉट आर दे तो दे आर लाइक एसोसिएट्स दे आर लाइक टेक्नीशियंस या फिर टेक्नोलॉजिस्ट जिनको ट्रेन किया गया है किसी भी डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट या फिर कोई भी, भी बीमारी कोई भी डिसीजेस या फिर इंजरी इंपेयरमेंट को पता करने के लिए ये यहाँ पर कोई भी सर्जरी नहीं करेंगे ये केवल इलनेस को डिसीज़ को इंजरी और इम्पेयरमेंट को पता करेंगे वहाँ पर उनके लिए जो भी सॉफ्टवेयर लगते हैं जो भी रोबोटिक्स लगता है जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है जैसे कि हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो डॉक्टर लाल केयर लैब है तो अगर लैब में जो टेक्नीशियंस काम करते हैं या फिर हम कहेंगे फार्मोलॉजिस्ट वहां पर काम करते हैं तो वो अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन की कैटेगरी में आएंगे और ये जो प्रोफेशन होते हैं वो ऑप्टेन करते हैं या तो डिप्लोमा या फिर डिग्री अब इनका जो डिप्लोमा और डिग्री है उनकी नंबर ऑफ अवर्स को हिसाब से उनको डिफाइन किया गया है कि कोई भी डिग्री या फिर डिप्लोमा जिस जो भी कंप्लीट होती है अंडर टू थाउजेंड अवर मतलब दो हजार घंटे जब उनकी पढ़ाई हो जाएगी तो उनकी पढ़ाई को घंटों में डिवाइड किया गया है मतलब कि या तो वो दो साल या फिर चार साल में उनको डिग्री मिल जाएगी बिटवीन टू टू फोर इयर्स अगर उनको डिग्री मिल रही है और उनकी जो ड्यूरेशन ऑफ डिग्री है या फिर ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा है वो दो हजार घंटे का होगा तो वो क्या कैटेगरी में आएंगे तो वो अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन की कैटेगरी में आएंगे नाउ हु आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अब देखो अलाइड हेल्थ केयर अलग होते हैं तो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कौन होंगे तो दे विल बी साइंटिस्ट दे विल बी थेरेपिस्ट अब यहां पर जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं दैट दे कैन कम अंडर दिस कैटेगरी या फिर कोई भी प्रोफेशनल्स जो कि स्टडी करते हैं एडवाइस करते हैं और रिसर्च करते हैं सुपरवाइज करते हैं और प्रोवाइड करते हैं प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव रिहेबिलिटेटिव क्यूरोप्रेटिक एंड प्रोफेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज वापस से मैं बोलूंगा यहाँ पर सर्जरी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर दवाइयों के बारे में जिक्र नहीं हो रहा है दे आर जस्ट एडवाइजिंग दे आर डूइंग द रिसर्च सुपरवाइज करेंगे और वो अपने प्रिवेंटिव मैचर्स को यहाँ पर लेकर आएंगे और ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको डिग्री होना चाहिए यहाँ पर डिप्लोमा वर्ड यूज नहीं किया गया है एंड ड्यूरेशन जो है डिग्री का वो कितना होगा तो वो 3600 घंटे का ड्यूरेशन होगा और यहाँ पर टू टू सिक्स ईयर्स नहीं है टू टू थ्री टू सिक्स ईयर्स है यहाँ पर टू टू फोर ईयर्स था क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे थे अलाइड हेल्थ केयर और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ठीक है सो डिफरेंस so, आपको पता होना चाहिए इनके ऊपर आएंगे डॉक्टर ओके डॉक्टर के ऊपर आते हैं वो सर्जन वगैरह वो अलग हो जाते हैं तो जो अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन होते हैं तो यहां पर बिल स्पेसिफाई करते हैं अलाइड एंड हेल्थ केयर एज कैटेगरी तो आर इन द शेड्यूल ऑफ द बिल अब इंक्लूड क्या होता है तो इंक्लूड होते हैं लाइफ साइंस प्रोफेशन ट्रॉमा एंड बर्न केयर प्रोफेशन जो जिनको एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं या फिर हम कहेंगे जिनको आग में झुल झुलस जाते हैं लोग उनके लिए ट्रॉमा और हेल्थ केयर प्रोफेशन होते हैं सर्जिकल एंड एनेस्थीसिया रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्रोफेशन अगेन आई एम सेइंग ये सिर्फ सर्जिकल एनेस्थीसिया रिलेटेड टेक्नोलॉजी को ही यहाँ पे आर एनडी करेंगे उनको कोई वो सर्जरी नहीं करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट जो जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी को कमर में या गर्दन में दिक्कत होती है तो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट या फिर न्यूट्रिशन साइंस प्रोफेशनल्स यहां पर आएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड करता है इस शेड्यूल को आफ्टर कंसल्टेशन विद द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड करेगा इस शेड्यूल को कब जब वो नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन से सलाह ले लेगा अब व्हाट इज दिस नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन तो ये जो बिल है वो नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन को ये सेटअप करता है इसका स्ट्रक्चर क्या है तो इसमें चेयर पर्सन होंगे वाइस चेयर पर्सन होंगे पांच मेंबर्स होंगे वेरियस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज जो होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होते हैं थ्री डेप्यूटी जनरल मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट और ट्वेल्व पार्ट टाइम मेंबर्स ये मेंबर्स को याद नहीं रखना है इसमें याद रखना है कि सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होंगी वहां से मेंबर्स या फिर वाइस चेयरमैन चेयरमैन को बनाया जाएगा फंक्शंस क्या होगा तो फंक्शंस होगा हेल्थ केयर एंड अलाइट सेक्टर प्रोफेशनल्स को देखना क्रिएट और मेंटेन करना ऑनलाइन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ ऑल रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के पूरे जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है उसको तैयार करना एक्टिविटीज स्टाफ की क्या क्वालिफिकेशन होगी एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मैक्सिमम फी क्या क्या देना होगी ये सबको वो देखेंगे प्रोफेशनल काउंसिल्स क्या होंगे तो कमीशन प्रोफेशनल काउंसिल को सेटअप करेगा फॉर एवरी रिकोगनाइज कैटेगरी ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन और ये जो प्रोफेशनल काउंसिल है इसमें प्रेसिडेंट या फिर चार से लेकर चौबीस मेंबर रहेंगे और कमीशन अपने फंक्शन को यहाँ पर डेलीगेट करेंगे क्लियर है अब आते हैं स्टेट काउंसिल तो छह महीने के अंदर जब ये बिल पास हो जाएगा तो इसमें बताया गया है कि हर एक स्टेट को स्टेट, स्टेट काउंसिल बनाना होगा और स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जिसमें फंक्शन होगा नेशनल कमीशन एंड मेंटेन ऑफ स्टेट रजिस्टर और परमिशन क्या होगा तो एस्टेब्लिशमेंट अगर कहीं पे करना है इंस्टीट्यूशन को तो परमिशन किसकी लगेगी तो परमिशन स्टेट काउंसिल की लगेगी अगर कहीं पे नया इंस्टीट्यूशन बनाना है यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है ठीक है यहां पर है स्टेट काउंसिल की परमिशन नए कोर्स को शुरू करना है तो भी स्टेट काउंसिल की परमिशन लगेगी और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो कोई भी क्वालिफिकेशन ग्रांट जो दिया जाएगा स्टूडेंट के लिए वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा अंडर द बिल मतलब उनकी जो रिकॉग्नाइजेशन है यहाँ पे उनकी मान्यता को वो नहीं मानेंगे ऑफेंसिस एंड पेनल्टीज क्या है कि अगर कोई फर्जी तरीके से डिग्री देता है फर्जी तरीके से बिना वो रजिस्टर करके अपने आप को दिखाता है स्टेट रजिस्टर में ऑफ नेशनल रजिस्टर में तो उनके ऊपर रुपए का फाइन होगा और उनकी डिग्री को बाने नहीं जाएगा तो व्हाट वी हैव लर्न सो फार तो हमने पे अलाइड एंड हेल्थ केयर के बारे में पढ़ा था और अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन बिल बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर जो तीन सेक्टर्स आते हैं उन तीन सेक्टर्स का किस तरीके से हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट करना है क्योंकि कोरोना के टाइम पे नॉट ऑल डॉक्टर्स आर केपेबल इनफ और वी कैन से कि उनका मैन पावर कम है तो अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन को बीच में आना पड़ता है और अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन इज लाइक द वर्कर्स जो कि हेल्प करते हैं मेन वर्कर्स के लिए मतलब लेबर दे आर लाइक ए वर्क फोर्स जो कि मेन वर्क फोर्स को क्या है हेल्प करता है और इनके बिना कोई काम नहीं हो सकता दे आर लाइक